नमस्कार, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स, देश प्रदेश का तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज न्यूज और मैं मोहम्मद जावेद अम्बेडकर नगर राय सुल्तानपुर। आइए आपको आज की बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। अम्बेडकर नगर आगामी मोहर्रम पर को शांतिपूर्ण व सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से राजे सुल्तानपुर में उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में CEO राम बहादुर सिंह और थाना अध्यक्ष विजय प्रताप तिवारी के नेतृत्व में शांति कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें मुख्य रूप से राजे सुल्तानपुर नगर क्षेत्र की विभिन्न गलियों व सड़कों को SDM सदानंद सरोज ने नगर पंचायत को कड़ी फटकार देते हुए मोहर्रम से पहले सभी ताजिया मार्गों को वैकल्पिक रूप से सही करवाने का आदेश दिया। चेयरमैन विनोद प्रजापति ने सभी अधिकारियों व आमजनों को आश्वस्त किया कि मोहर्रम पर्व के दौरान साफ सफाई, चूने का छिड़काव, पानी सप्लाई, वैकल्पिक व्यवस्था आदि पूर्व वर्षों की तरह रहेगी। विद्युत विभाग के SDO और लाइनमैन लक्ष्मीकांत पिंटू सिंह ने बताया, मोहर्रम से पूर्व सभी बिजली के लटके तारों को सही करा लिया जाएगा। इसमें मौजूद रहे पूर्व प्रधान सुल्तान अहमद शमशेर अहमद, भाजपा क्षेत्रीय मंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा गोरखपुर मोहम्मद असलम अंसारी, विवेक सिंह, रामचरण सिंह, आवेश राजा, विपिन वर्मा, ताजिया दर कमरुद्दीन, अनिल राज, अकेला नसीम अहमद, सिराज अहमद, भारतीय जनता पार्टी जिला मंत्री पत्रकार ब्रजेश मौर्य, पत्रकार मोहम्मद जावेद, सभासद राम केवल यादव, पिंटू सिंह, लाइनमैन लक्ष्मीकांत, लाइनमैन नगर, नगर पंचायत बड़े बाबू, जिलेदार सिंह, सभासद आवेश राजा आदि बहुत से लोग और थाना स्टाफ VDO साहब भी मौजूद रहे।